मेरा नाम हाफिज मोहम्मद हुसैन है, यहाँ का रिहायशी और मकामी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हम यहाँ इस इलाके में रह रहे हैं, तो नवाब साहबानों का ये इलाका है। ख़ानदान अब्बासिया जो है वो बगदाद से चले थे और सिंध में शिकारपुर में आए थे, और हमारे भी आबा अजदाद उनके साथ शिकारपुर से यहाँ आए थे। तो हम लोग उनके रियाया थे और वो बादशाह थे यहाँ के पूरी रियासत के। तो नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजम की भी यहाँ 1966 में उनकी वफात हुई है, उनकी मज़ार भी इधर है। बाकी जो ख़ानदान वफात पा चुके हैं वो भी इनके शाही कब्रिस्तान है। मई चोलिस्तान जो है वो ये पूरा यहाँ से 200 किलोमीटर ये डेजर्ट है सब इंडिया के बॉर्डर तक। तो दूसरे महीने में यहाँ जीप रैली होती है, काफ़ी लोग दूर दराज से आते हैं। लोग चोलिस्तान के जो मशहूर सवारी है रेगिस्तानी ऊँट, रोही में जो रहते हैं जानवर पालते हैं, बहुत बड़े बड़े ऊँचे ऐसे जो है वो टीले हैं टिब्बे हैं रेत के। तालीम के हवाले से ये है कि यहाँ स्कूल हैं लेकिन बराए नाम हैं, यहाँ के लोग भी शौक रखते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ मुसलमान भी हैं और नवाब सादिक के दौर से हिंदू एक बस्ती है। जब वो पाकिस्तान बना था कुछ लोग चले गए थे तो कुछ लोग हिंदू यहाँ रह गए थे, उनकी बस्ती है अलग, हिंदुओं की बस्ती है अलग, वो यहाँ रह रहे हैं, शुरू से रह रहे हैं, अभी भी हैं। तकरीबन उनका 60-70 घर है इधर, मंदिर भी है उनकी इबादतगाह है, मंदिर यहाँ बना हुआ है। हाँ मेरे बुद्धू राम बल्दियात जिंदूरा इतना आते बैठे थे न पापा शुद्ध हाथ जितना वल्ला चाड़ी बैठे चाह को सा को कभी हाथ दुखाया कहीं नहीं हथु हथ हथ है लेकिन सर ना कोई परेशानी कहीं जिम्मेदार लोग हैं जे असा दावत करूँ तो उन्होंने सादा नु अलग बह तो उन्होंने खर्चा पानी देनू जे वो असा को सदे असा उन्होंने पक्की खा गए थे हूँ तो बावजूद सा कोई तकलीफ कहीं उस्मान में शजन खां का साढ़े को लैटर भी है साढ़े तो हथ भी है कोई तो परेशानी बनो सा दसो बाकी अल्लाह की बड़ी करम ना गैर इलाका है वही तो है कहना इतना बाबा गुजार जड़ी है दुखी सुखी थी पे वक्त नहीं पे मैंने वड़के गुजार के असा ही गुजरेंदे पे थे ईद तो जिम्मे तुसा ईद करेंदे पे सारी ईद आने असा ही खुशियां मनने जिम्मेदारा को सारी गिंदू मतलब अलादा उन्हों को मिठाइया दे चो से जिम्मेदारा ईदा कितिया तो असा ही वेंदे से खा पी आयो से पर अल्लाह बड़ा करम है असा कौम मेघवाद पहले हूँ बदके गुजार गए असर को माल शाल भी आने चंगे हालात हैं और हूँ कुछ माल छुड़ाने के कुछ हालात माड़े भी ठीक हैं अल्लाह बार से चंगे नहीं रहे तो माड़े कहना रहा निभे से नहीं भी मंदिर बने एक मुर्शिद मुसलमान रोशन अली फकीर रोशन अली फकीर कंडी शरीफ उन्हों का मेला थी थाना मेला कर मैंने जो टाइम मेला थी हूँ टाइम कोई मुसलमान की अकलियत की कोई पहचान कहीं होगी हर बंदा नंगा चाह तो खवेंदा हाँ कोई इतना मतलब लेखा कहीं जिम्मे शीह बकरी कट्ठी चले ना इतना कोई है कहीं बड़े बड़े लोग शारा दे भैया पानी पिलाओ पानी रोटी नंगर सा आप चाह खे किस्मत छेक आवे तो मेले से आवे रोही तो बारिश पैगी टोपे फरीज गिनो माल शाल चढ़ते वे बाकी हूँ तो बावजूद ये तो वही बोर से थी बल वही करके तो कोई तगारी मजदूरी करके तो मेहनत मजदूरी करते गुजार पे करने अल्लाह ताला दी वे शुक्र है जात पाक का वक्त इन चंगे नब माड़े ने फिर अल्लाह खलूस देवे मोहब्बत देवे क्या बिया कोई शय कनी जान दे बहुत बहुत शुक्रिया तो से अल्लाह आबाद रखे तो आपको पाकिस्तान जिंदाबाद अब तद सावल ते निजाजे तू हो या ताड़क हर नसावे दे प्यू तेरे हाथे हासे बार वांगो तेदा छोड़ ते दर यसावे दे प्यू